बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों की लिस्ट में शुमार हैं। फिल्मों में भूमिका निभाकर उन्होंने लोगों के दिल में अपने लिए एक खास जगह बनाई है। वहीं अब राजपाल यादव मुसीबत में घिरते दिखाई दे रहे हैं। अभिनेता पर लगे 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में अब इंदौर पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। उन्हें 15 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होना होगा। बता दें दोस्तों कि एक बिल्डर सुरिंदर सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि राजपाल यादव ने उनके बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्ट करने और आगे बढ़ाने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अभी तक राजपाल यादव ने उनके बेटे को कोई काम नहीं दिलवाया और ना ही मदद की। जब उनसे पैसे वापस लेने की बात की गई तो राजपाल यादव गायब हो गए। अब वह ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही पैसे लौटाने की बात कर रहे हैं। इसी सब से परेशान होकर बिल्डर ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज होते ही अपनी जाँच शुरू कर दी है। इसके साथ ही बता दें दोस्तों, राजपाल यादव पर ये पहला मामला दर्ज नहीं हुआ है। कई साल पहले भी राजपाल पर 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा था। राजपाल यादव ने एक फिल्म अता पता लापता बनाई थी, जिसके लिए दिल्ली के बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का उधार लिया था। फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन राजपाल यादव ने उधारी की रकम वापस नहीं की। इस मामले में उन्हें कई समन भेजे गए थे और कोर्ट ने राजपाल को 10 दिन के सामान्य कारावास में भेजते हुए पुलिस को उन्हें हिरासत में लेने के निर्देश जारी कर दिए थे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो वो भूल भुलैया 2 में छोटा पंडित के किरदार में नजर आए थे, जिससे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इससे पहले राजपाल यादव भूल भुलैया 1 में भी छोटा पंडित का किरदार निभा चुके हैं और कई बॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।